Most of us, we want to live in a comfort zone and don't exert ourselves in explorations, in experiments, in new ideas. And that's why we stay here. Now, I'll tell you a story. Here is somebody sitting up there who is very rich, who has everything available that he can give to his children, to any one of you, to me, to him. So you go with the camera, you see so much with a telephoto lens, with a shallow depth of field, and you lose background, you lose foreground, and you get so much and you come back happy. Somebody else goes with another wide angle lens, he distorts everything, he thinks he's got a different picture, he comes back. Somebody goes, photographs this much, and this much, and so much, so they come back happy. When I go there, he shows me this much. I say, man, come on, you are joking with me. I don't take it. Then he shows me, he says, okay, all right. Now, he is our father. And he has same approach to everybody. The difference is, if you are happy with this much, why should he give you this much? If you haven't even asked for this much, why will he give you this much? So you are happy with this much. When I go there, he shows me this much. I say, come on, God, you don't joke with me. I have seen this before. I want something bigger. Then he gives me so much. I say, okay, I'll take it. You see, this is how you have to enlarge your space, your sense of exploration, your demand. He is rich enough. He's got treasures for all of you, but you don't want it, he doesn't give it to you. It's that simple. Very well said, sir. Can we please pass on the mic to... And we'll be coming back to your questions as well pretty soon, so please keep on posting and asking questions. At the moment we get the question, just come on. Hello sir, this is Dharun. I attended your seminar before. In that, you told Pandit Ravi Shankar. जब आप उनकी फोटो दे रहे थे वाराणसी में, वो कि आप शायद बोट में थे जी। वो खड़े हुए और उनके बहुत देर तक आपने फोटो खींची, पर आपको मज़ा नहीं आ रहा था। आप बहुत देर वेट किए, फिर एक बार उनका जो बाल है वो उड़े और आपको ऐसा लग रहा था जैसे उनके बाल वो पूरे आपके बीच वो, हाँ, वो पूरा टच कर रहे। तो सर उसके लिए आप कितनी देर वेट किए होंगे? अभी मैंने वेट ज़्यादा नहीं की थी, मैंने उसको कहा था ज़रा उड़ाओ इनके काम। उसके बाद सर जब वो आपका मैंने सेमिनार देखा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरे को भी थोड़ा सा वेट करके टाइम लगा के फ़ोटो खींचने चाहिए, बट जैसे रास्ते में चलते चलते हमेशा मेरे पास कैमरा नहीं रहता है, मोबाइल रहता है। क्यों नहीं रहता है? सर हम काम पे जा रहा हूँ, नॉर्मल में छोटा कैमरा ये काफ़ी काम करता है मेरे लिए। तो गलत बात है ना। देखिए मैंने जब मोबाइल कैमरा से बुक की थी तभी मैंने वही कैमरा उठाया था, वही मोबाइल उठाया था, दूसरा नहीं लिया था। अब मैं मोबाइल कैमरा से एक भी तस्वीर नहीं खींचता, कभी भी नहीं खींचता हूँ। अगर आप कैमरा ही नहीं लेके चलेंगे तो उसके लिए तो फिर कोई और कोई आदमी रखना पड़ेगा असिस्टेंट आपके लिए, जो आपका कैमरा पीछे नहीं। जब मैं फोटोग्राफी करने के लिए करता हूँ तब मेरे पास कैमरा रहता है। और ऐसे आप क्या करते हैं? मैं ऐसे काम करता हूँ, क्या एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ। वहाँ से अभी आया हूँ और वापस काम पे चले जाऊँगा। तो ये कैमरा साथ में हमेशा रहता है कि कभी भी कुछ भी मेरे को रास्ते में दिखे, कुछ मेरे को अच्छा लगे, मैं फ़ोटो खींचूँ। बट ये रहता है ना कि आपने जैसे बोला कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए फिर फ़ोटो लेना चाहिए, तो रास्ते में चलते चलते अगर मेरे को कुछ अच्छा दिखे तो वो कितना टाइम वेट करना चाहिए कहीं वो चीज़ निकल नहीं जाए, और उसके चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है वो मोमेंट चला गया। नहीं, आप ऐसा करो ना, आप इफ यू हैव अदर बिजनेस टू मेक मनी इट्स ओके, बट ऑन योर वीकेंड्स यू डू फोटोग्राफी एवरी मिनट ऑफ इट एंड कीप द कैमरा विद यू। I go for like सुबह उठ के चले गए, मैं काफी फोटो वॉक्स करता रहता हूँ। फोटो वॉक्स कभी मत करो, जब पिकनिक टू एंजॉय
each other's company and jokes and fun. और इधर मच्छर मार दिया उधर मच्छर मार दिया कभी भी मैंने इतना ज़्यादा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं रखा था बट जब से मेरे लिए देखा है मैंने एक इंस्टाग्राम फोटो बॉक्स इससे जब जैसे बाकी लोगों से मिलता हूँ तो उन लोग से कुछ सीखने को फोटो बॉक्स का एक फायदा जरूर है कि उससे आदत पड़ जाती कैमरा उठाने हाँ वो भी है सर तो ये अच्छी बात है लेकिन फोटो बॉक्स से क्रिएटिविटी नहीं बनती आसानी